पानीपत के जगजीवन राम कॉलोनी के रहने वाले अनिल नामक व्यक्ति रोजमर्रा की तरह बीती रात 9 मार्च को काम करने के लिए अनाज मंडी के पास स्थित संता फैक्ट्री में काम करने के लिए गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिला। पुलिस को 4 दिन पहले संता फैक्ट्री के पीछे एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पहचान नहीं हो पाई थी। उसके शव को पुलिस द्वारा समान अस्पताल में रखवाया था। अनिल के परिजन अब जब पुलिस के पास अनिल की मृत की जानकारी लेने पहुंचे तो पुलिस द्वारा मृतक का फोटो परिजनों को दिखाया तो परिजनों ने उसकी पहचान अनिल नामक व्यक्ति के रूप में की। परिजनों ने बताया कि अनिल की किसी के साथ कोई रंजिश भी नहीं थी। पुलिस में शिकायत में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पानीपत के समान अस्पताल में की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर इसका कारणों का खुलासा हो पाएगा। आज सुबह लगभग 6:30 बजे दोघट पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि नूरपुरा के जंगल में बाबा की डेड बॉडी एक कमरे में मिली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, बॉडी को कब्जे में लेकर मॉर्चरी भेजा गया पोस्टमार्टम हेतु। घर वालों को सूचना दे दी गई है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा तथा अन्य अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। पूछताछ में गांव वालों ने यह बताया कि मंदिर पर चढ़ावे को लेकर विवाद चल रहा था और संभवतः इसी कारण बाबा की हत्या की गई है। तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। शीघ्र ही घटना का खुलासा करेंगे।